पुलिस ने खोज निकाला महिला का खोया बैग। मुंबई से सटे मीरा रोड के नया नगर पुलिस ने एक हफ्ते पहले एक ऑटो रिक्शा में छूटे बैग को खोज निकाला, साथ ही महिला का सारा सामान वापस मिल गया है। महिला ने पुलिस का स्वागत करते हुए शुक्रिया अदा किया है। खबर के मुताबिक शिकायतकर्ता इमरान अपनी पत्नी के साथ शादी में आए थे। वे ऑटो में अपना सामान भूल गए। जब उन्हें याद आया तो उन्होंने तलाशना शुरू किया, लेकिन उस ऑटो रिक्शा का कहीं पता नहीं चला। उन्होंने इसकी शिकायत नया नगर पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई। नया नगर पुलिस तुरंत हरकत में आई, ऑटो चालक की तलाशने शुरू कर दी। आखिरकार ऑटो चालक मिल गया और पुलिस ने बैग उसके पास से बरामद किया। इमरान ने कहा कि बैग में मेरा सारा सामान है। वहीं ऑटो चालक का कहना था कि बैग ऑटो रिक्शा के पीछे रखा था, मेरी नज़र नहीं पड़ी। जब मैं घर गया तो मेरी नज़र पड़ी, मैंने उससे वैसे ही रख दिया था, हाथ भी नहीं लगाया। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि यह बैग किस यात्री का है। वहीं पुलिस निरीक्षक कस्बे ने ऑटो और टैक्सी चालकों से अनुरोध किया कि वे इस तरह अगर किसी का बैग छूटे तो उसे नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जमा करा दें, इस तरह घर में न रखें, यह भी एक क्राइम है। इवनिंग में 7:30 को फैमिली शादी अटेंड करने के लिए यहाँ पे आई थी, तो हमारा जो एक बैग था वो रिक्शा में बैक साइड में मिस हो गया। बाद में मैं काफ़ी दो दिन तक ट्राई किया इधर उधर ढूंढने का, मतलब फिर भी बैग हमको नहीं मिला। तो आज ऑफिस से मैंने लीव लेके मेरा नया नगर पुलिस स्टेशन में आके साफ लोग को बताया कि ऐसा ऐसा मेरा 28 को ये मतलब प्रॉब्लम हुआ था, ये हादसा हुआ था। तो उन्होंने मेरे से गाड़ी का नंबर पूछा, तो मैंने उनको गाड़ी का नंबर दिया, तो उन्होंने आईटीओ में इंक्वायरी करके वो गाड़ी का नंबर एड्रेस वगैरह निकाला और मेरे साथ में रहकर उन्होंने बहुत बड़ा अच्छा रोल किया कि उन्होंने मेरी हेल्प की, मेरे साथ में लेकर और रिक्शा वाले का पता लगाया और उसका एड्रेस ढूंढा। बाद में वो नहीं मिला तो फिर उन्होंने वेट किया, तो रिक्शा वाला जब भी आया तो वो आने के बाद उससे बातचीत की, उसको बोला, तो उन्होंने फिर वो रिक्शा वाले से बैग लेके मेरे को दिया और मेरा सामान मुझे वैसे का वैसे ही पुलिस वालों ने दिया। आज आपकी तरफ से इन जो पुलिस वालों ने जो काम किया है उसको लेकर मैं कांग्रेस देना चाहूँगा कि कानून बहुत बड़ी अच्छी चीज़ है और कानून की वजह से बहुत सारी हेल्प हो जाती है। इसके लिए मैं पब्लिक को भी मैसेज देना चाहता हूँ कि हम कानून की हेल्प ज़रूर लें। मुझे बहुत बड़ी खुशी हुई कि उन्होंने मेरी हेल्प की इस मामले में और मेरा सामान मुझे जैसा था उसके लिए मुझे बहुत खुशी हो रही है। मेरा सामान मुझे जैसा था वैसे एज इट इज़ मिला और पुलिस को लेके मुझे बहुत खुशी हुई कि उन्होंने मेरा बहुत भरपूर साथ दिया। हाँ, मेरा जो खोया हुआ सामान मेरा जो पूरा था वैसा का वैसे ही मुझे पुलिस वालों ने दिलवाया। इसके लिए उसकी खुशी में हमने पुलिस स्टेशन में आके पुलिस वालों का सत्कार किया, उनको अभिनंदन दिया, उनको कांग्रेस किया। मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि एज इट इज कोई भी पैसेंजर हो, किसी का भी खोया सामान कुछ भी मिस हो जाए, थोड़ा छोटा हो या बड़ा, वो आके सीधा पुलिस स्टेशन में जमा करें, ना कि अपने पास रखें, ताकि इससे पैसेंजर को अपना सामान ढूंढने में हेल्प हो। बस यही मैसेज देना चाहूँगा मैं रिक्शा वाला। राणा सर, फैमिली, पत्नी और कौन? अभी अभी हाँ, कितनी तारीख को? कस्बे साहब बताइए, यहाँ पर 28 तारीख को एक घटना घटी थी कि कुछ लोग है वो अपना कुछ सामान रिक्शा में भूल गए थे और वो आज उसको पुलिस ने बरामद किया है, क्या था ये पूरा मामला? 28/12/2018 को इमरान राणा सरिया, इनकी पत्नी और इनकी साली, ये वेस्टर्न कॉलोनी है, वहां से ऑटो में बैठ के प्रतिमा हॉल तक आए थे शाम को 7:30 के करीब। उस वक्त पे उनकी गाड़ी में ज्वेलरी और पैसा और थोड़ा सा सामान रही हुई बैग रह गई थी। तो हमारे पुलिस स्टेशन के बीट मार्शल राइडे और वो पुलिस नाइक शिड़के
इन लोगों ने और ये जो उनके हस्बैंड है इमरान खुद, तो सीसीटीवी के माध्यम से हमने पूरी जानकारी लेके वो गाड़ी नॉकआउट कर दिया, गाड़ी का नंबर नॉकआउट कर दिया और गाड़ी नंबर निकालने के बाद उसका आरटीओ से नाम पता निकाला। नाम पता निकालने के बाद वो एड्रेस के ऊपर गए थे लेकिन वो आदमी नहीं मिला था। बाद में सीसीटीवी की जो लिंक है वो लिंक पैकअप करते 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 इसके घर तक हमारे बीट मार्शल जो है पहुंच गए और उन्होंने उस रिक्शा वाले के पास पहुंच गए और इनका जो सामान जो था पूरे जैसे के वैसा पूरे आज वो जो इमरान राणा सरिया है उनके हाथ सौंप दिया है। इस मामले में जो है पुलिस ने क्या कुछ एफआईआर लिया था, मिसिंग लिया था या एंट्री किया था, क्या था यहाँ पर अपने पुलिस स्टेशन में? यहाँ पर प्रॉपर्टी मिसिंग दर्ज हुआ था, उसके बाद में पुलिस ने फॉलोअप किया था उसका सीसीटीवी के जरिए। सर ऐसे रिक्शा ड्राइवरों को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप जो पूरी ईमानदारी से अपना काम नहीं करते हैं, उन्हें जो है कि क्या ऐसा एक सबक देना चाहेंगे आप या क्या मैसेज देना चाहेंगे कि वो पूरी ईमानदारी अपने काम में बरते ताकि पुलिस के लिए जो एक एक काम और आसान हो? जो चीज अपनी नहीं है, जो चीज अपनी नहीं है वो अपने को अगर मिल जाती है तो उस आदमी ने वो चीज तुरंत पुलिस स्टेशन में आकर जमा करना चाहिए। ये लोग अपनी चीज बैग भूल गए थे लेकिन वो जो रिक्शा वाला है उसको वो किस पैसेंजर का बैग है पीछे रखा था वो उसको मालूम नहीं पड़ा, इसलिए कहाँ पे जाना इसलिए वो संभ्रम अवस्था में था लेकिन उसका काम था कि वो पुलिस में जमा करे। हर आदमी का एक कानूनन कर्तव्य है कि जो भी कोई चीज उसको मिल जाती है किसी की कोई हुई तो उसने तुरंत पुलिस स्टेशन में जमा करना चाहिए।